आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मैं आपके साथ एक अनदर फैशन हॉल वीडियो शेयर करने वाली हूँ और आज की जो वीडियो है वो अमेजोन से होने वाली है। अमेजोन पे जो है अभी सेल लाइव है, तो वहीं से जो मैंने कुछ फेस्टिवल वेयर साड़ीज हैं वो पिक की है। अपकमिंग फेस्टिवल के लिए काफी अच्छा ऑप्शन होने वाली है, काफी अफोर्डेबल प्राइस में सारी साड़ियां जो हैं अंडर 1000 के हैं, तो काफी अफोर्डेबल भी है। प्राइस के अकॉर्डिंग इनकी क्वालिटी भी काफी सुपर लगी है। तो लेट्स सी कि ये पहनने के बाद कैसी लगती है या इनका जो फैब्रिक है या प्रिंट है वो कैसा है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी साड़ी जो आपसे मिस ना हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करूँ अपने फर्स्ट पीस से। जो फर्स्ट जो पीस है वो है थोड़ा सा डिफरेंट सा बाय किया है मैंने। इस टाइप का पीस जो मैंने फर्स्ट बार बाय किया है या मैं फर्स्ट बार ट्राई करने वाली हूँ। तो ये वाली जो है मैंने जो है दुर्गा पूजा के लिए स्पेशली पिक की थी। तो इसका जो कलर है वो मैंने थोड़ा सा ऑफ वाइट लग रहा था इमेज में, लेकिन इसका जो कलर है वो वाइट निकला है और यहाँ पे जो बॉर्डर है वो आपको पिंक कलर का मिल जाएगा। फैब्रिक की बात करूँ तो फैब्रिक जो है इसका आर्ट सिल्क का है, तो फैब्रिक की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। तो साड़ी जो है आपको पूरी ही वाइट कलर में मिल जाएगी और इसमें जो बॉर्डर दिया है वो कुछ इस तरह का मैजेंटा पिंक है, उस टाइप का बॉर्डर इसमें मिल जाएगा। ऑल ओवर साड़ी आपको वाइट मिलेगी और वाइट में इस तरह की गोल्डन कलर की जो ये वीविंग वाला वर्क है ना ये मिल जाएगा, बुट्टी मिल जाएगी कुछ इस तरह की गोल्डन कलर की। बॉर्डर जो है इस बॉर्डर जो है इसका ना ज़्यादा ब्रॉड है ना ज़्यादा कम है, काफ़ी मीडियम सी विड्थ का इसका जो बॉर्डर है जो कि काफ़ी कम्फर्टेबल लगता है उसको कैरी करना। तो बात करूँ पल्लू की, तो पल्लू इसमें आपको कुछ इस तरह का पिंक कलर का मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी वीविंग की गई है इसमें। और बैक से दिखाती हूँ, इसमें कोई भी जो है थ्रेड वगैरह एक्स्ट्रा नहीं निकला हुआ है, तो काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ किया गया है। साड़ी की जो लेंथ है वो काफ़ी प्रॉपर लगी है, 5.5 है और इसकी जो ड्रेप और ये जो है ड्रेप करने में भी काफ़ी ईजी थी, प्लेट्स वगैरह जो है इसकी काफ़ी अच्छी बन गई थी। तो फैब्रिक की जो क्वालिटी है या लेंथ वगैरह है वो मुझे काफ़ी प्रॉपर लगी है, बस मैंने थोड़ा सा कलर जो है वो ऑफ वाइट एक्सपेक्ट किया था, लेकिन इसका जो कलर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट वाइट ही है। और यहाँ से साड़ी को ड्रेप करेंगे वहाँ पे फ्रंट में जो इसमें यहाँ पे इस तरह का प्लेन फैब्रिक मिलेगा, देन यहाँ से प्लेट स्टार्ट होगी, वहाँ से ही ये पूरा जो एम्ब्रॉयडरी का वर्क ये पूरा ही जो वीविंग का वर्क है वो मिल जाएगा। देन इसमें बात करूँ ब्लाउज की, तो ब्लाउज इसमें पिंक कलर का मिल जाएगा और ब्लाउज के लिए यहाँ पे जो है इस तरह का बॉर्डर प्रोवाइड किया गया है। ब्लाउज का जो फैब्रिक है वो भी आर्ट सिल्क का है। लेंथ की बात करूँ तो ब्लाउज की जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा है, तो काफ़ी अच्छा इसमें आपको ब्लाउज बन जाएगा। तो ये वाली जो साड़ी है अगर आप कुछ पूजा वगैरह के लिए पिक करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। पहनने के बाद इसका जो लुक है एग्जैक्ट कैसा आ रहा है ये आपको थोड़ा सा ट्रायल पार्ट में ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन अगर आप पूजा के लिए कुछ अफोर्डेबल प्राइस में डिफरेंट सा कलर ट्राई करना चाहते हैं तो इस वाली साड़ी के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। के लिए अभी जो है दुर्गा पूजा आने वाली है उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। जो प्राइस पे किया है उसके अकॉर्डिंग उसके हिसाब से इसकी जो क्वालिटी है वो और या जो लुक आ रहा है वो काफ़ी सुपर आ रहा है। तो मेरी तरफ से तो इस वाली साड़ी अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसके साथ जा सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो कलर आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद बात करूँ अपनी नेक्स्ट जो साड़ी है वो वाला जो कलर था ना मुझे देखते ही काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लगा था। तो ये वाला जो कलर है कुछ इस तरह का डार्क पर्पल कलर है और इसमें बॉर्डर है वो आपको पिंक कलर का मिल जाएगा, तो पर्पल के साथ पिंक का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा था। फैब्रिक इसकी बात करूँ इस वाली साड़ी की, तो जो फर्स्ट वाली साड़ी दिखाई ना वो थोड़ा सा मतलब उसको एडजस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि उसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा खड़ा सा था, लेकिन इसमें जो है आपको कॉटन का मिक्स मिलेगा आर्ट सिल्क के साथ, तो इसकी जो प्लेट्स वगैरह थी वो काफ़ी अच्छे से फिक्स हो गई थी और इसमें थोड़ा कॉटन है तो उससे ज़्यादा कम्फर्टेबल मुझे ये वाली साड़ी लगी है। तो इसमें बात करूँ इसके बॉर्डर की, तो इसका जो बॉर्डर है वो आपको कुछ इस टाइप का मिल जाएगा पिंक कलर में और पूरे ही बॉर्डर में इस तरह का मशीन वाला जो वर्क है वो मिल जाएगा गोल्डन और पर्पल कलर में। तो बॉर्डर तो इसका पल्लू है वो काफ़ी ब्यूटीफुल सा है। देन उसके बाद साड़ी में पूरी ही आपको पर्पल कलर में और गोल्डन कलर की कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। बॉर्डर जो है ऊपर और नीचे दोनों ही से सेम है, इतनी विड्थ के साथ बॉर्डर मिल जाएगा। ऑल ओवर साड़ी में आपको कुछ इसी तरह की गोल्डन कलर की ये बुट्टी मिल जाएगी, तो पूरी साड़ी कुछ इस तरह की है और साड़ी की जो लेंथ है वो काफ़ी प्रॉपर है, 5.5 लेंथ मिल जाएगी। देन इसके बाद यहाँ से प्लेट स्टार्ट होने से पहले ही आपको यहाँ पे प्लेन फैब्रिक मिलेगा साड़ी में, जो कि प्लेट्स के बाद यहाँ पे ये वाला जो वर्क है वो स्टार्ट हो जाएगा
और इसमें जो ब्लाउज है वो आपको सेम फैब्रिक में दिया गया है जैसा साड़ी का है, लेकिन पिंक कलर में है। और यहाँ पे जो है स्लीव्स के लिए अगेन इसमें भी बॉर्डर प्रोवाइड किया गया है। ब्लाउज की जो लेंथ है वो आपको 80 सेंटीमीटर जितनी ही मिलेगी, तो काफी अच्छी लेंथ है ब्लाउज इसमें आपका बन जाएगा। फैब्रिक जो है काफी सॉफ्ट है ब्लाउज का भी, तो काफी अच्छा लगेगा बनने के बाद, ब्लाउज काफी कंफर्टेबल लगेगी। ये वाली जो किसी भी एज ग्रुप के लिए काफी बेस्ट ऑप्शन होने वाली है, काफी सिंपल डिसेंट सा पीस लगेगा पहनने के बाद। पूजा वगैरह में तो पहन ही सकते हैं, साथ में अगर आप ऑफिस वगैरह के लिए भी कुछ इस तरह की साड़ी यूज करते हैं तो ये वाले ऑप्शन बेस्ट होने वाला है। कलर मुझे काफी सुंदर लगा है, साथ ही साथ फैब्रिक की क्वालिटी भी काफी सुपर लगी है। तो ये वाली साड़ी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है। एग्जैक्ट कैसी लग रही है पहनने के बाद ये आपको थोड़ा सा ट्राई ऑन पार्ट में ज्यादा समझ में आएगा। मुझे कोई और अदर कलर ऑप्शन नहीं दिखे थे, सेम इसमें मुझे एक यही कलर दिखा था और मैंने यही पिक किया है। तो अगर आप एक बार चेक कर लेना जो लिंक मैं आपको दूंगी, अगर आपको कोई कलर ऑप्शन मिले तो आप जो है अदर कलर भी ट्राई कर सकते हैं। दो साड़ियां मैंने कुछ इस तरह के सिल्क के फैब्रिक में ट्राई की है, देन उसके बाद दो जो है डिफरेंट फैब्रिक में बाय की है। तो ये वाली जो साड़ी है ना, इनको जो है सिल्क की साड़ी वगैरह या कॉटन की साड़ी है उनसे जो है ड्रेपिंग वगैरह में काफी मतलब डिफिकल्ट होती है उनको वेयर करना और कैरी करना, मतलब इजी नहीं लगता है। तो उनके हिसाब से मैंने ये वाला जो फैब्रिक है वो पिक किया है इस तरह की साड़ी। तो इसका जो फैब्रिक है ना वो मतलब थोड़ा सा क्रिप साइड में है और शाइन वगैरह देख के लगता है कि थोड़ा सा सिल्क का भी टच है। तो काफी अच्छा सा फैब्रिक है इसका, मतलब लाइट वेट है काफी, और प्लेट्स वगैरह इस तरह के फैब्रिक की काफी ज्यादा अच्छी बनती हैं, पहनना काफी इजी होता है और साथ ही साथ कैरी करना भी इजी होता है। तो ये वाली जो साड़ी है ना काफी ब्यूटीफुल से कलर में है, कुछ इस तरह का ब्लू कलर है, साथ में पिंक है। तो इसका जो प्रिंट है ना वो काफी अच्छा है और किसी भी फेस्टिवल वगैरह के लिए काफी अच्छा है, पार्टी वेयर के हिसाब से भी काफी अच्छा ऑप्शन है। इसमें कुछ ना इस तरह का जो कटआउट वाला पैटर्न है वो बॉर्डर में वो दिया गया है, साथ में जो सिल्वर कलर के बुटीज पेस्ट की हुई है जो कि काफी अच्छी लग रही है, लेकिन काफी अच्छे तरीके से पेस्ट की गई है, बिल्कुल भी निकल नहीं रही है। पूरी साड़ी आपको, ऑल ओवर साड़ी आपको कुछ इसी तरह के प्रिंट में मिल जाएगी, काफी अच्छा प्रिंट है, कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। लेंथ की बात करूं तो साड़ी की जो लेंथ है वो काफी प्रॉपर दी गई है, इसमें आपको सेम प्रिंट में मिलेगा, बस यहाँ पे जो है यहाँ पे इस तरह का पैच दिया हुआ है दोनों ही साइड में पल्लू में, अदरवाइज जो पल्लू है वो सेम प्रिंट में मिलेगा आपको, सेम फैब्रिक सेम प्रिंट में और सेम कलर में है। और साड़ी का जो फैब्रिक है ना वो मुझे काफी लाइट वेट और काफी अच्छा लगा है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, इसमें आप कलर चूज कर सकते हैं, काफी लाइट वेट सी साड़ी है, किसी भी फेस्टिवल वगैरह के लिए पार्टी वगैरह के लिए काफी बेस्ट ऑप्शन होने वाली है। देन इसका जो ब्लाउज, देन इसके बाद बात करूं इसके ब्लाउज की, तो ब्लाउज जो है इसमें कुछ इस तरह के प्रिंट में मिल जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट लगा है प्रिंट इसका साड़ी से, तो इस तरह का प्रिंटेड ब्लाउज मिल जाएगा। और ब्लाउज की जो लेंथ है वो देखो कितनी ज्यादा दी गई है, तो काफी अच्छा इसमें बड़ा ब्लाउज बन जाएगा। और ब्लाउज पे यहाँ पे बॉर्डर अटैच करने के लिए इस तरह का साड़ी में जो वर्क था ना सेम वैसे इसके बॉर्डर पे भी यहाँ पे ऐसा ही वर्क मिल जाएगा। फैब्रिक की बात करूं तो इसका जो फैब्रिक है वो थोड़ा आर्ट सिल्क की साइड में है, कॉटन और आर्ट सिल्क का जो मिक्स है उस तरह का फैब्रिक इसमें मिल जाएगा, तो ब्लाउज की क्वालिटी भी काफी सुपर है। तो अगर आप कुछ जो है आर्ट सिल्क कॉटन वगैरह इन सब से थोड़ा सा हटके कुछ पिक करना चाहते हैं ना, तो ये वाली साड़ी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है, काफी ब्यूटीफुल लगी है पहनने के बाद। साथ ही साथ सबसे अच्छा जो इसका पार्ट है उसे जो है कैरी करना और इसे ड्रेप करना वो काफी ज्यादा ईजी था। तो मेरी तरफ से तो ये वाली साड़ी हाईली रिकमेंड है, एक बार डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, काफी अच्छा मतलब चाहते हैं ना इस तरह का फैब्रिक हो कि पता ही ना चले कि आपने साड़ी वेयर कर रखी है, वो ये वाला फैब्रिक कुछ उस टाइप का है। तो ये वाली साड़ी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है, डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। जो नेक्स्ट जो साड़ी है वो मैंने इमेज में काफी ब्यूटीफुल सा ब्राउन कलर दिख रहा था और उसका जो प्रिंट था उसके ऊपर मतलब बहुत डिजाइनर सा पीस लग रहा था, लेकिन मुझे जो है उसके बदले में ये एक सिंपल सी साड़ी रिसीव हुई है ऑरेंज कलर में, इसमें कुछ इस तरह की जो है ओलिव कलर में कुछ इस तरह का प्रिंट बना हुआ है, तो मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर कर देती हूँ, हो सकता है किसी को कुछ इस तरह की सिंपल साड़ी भी बाय करनी हो। तो इस वाली साड़ी का फैब्रिक है वो काफी अच्छा है, जॉर्जेट फैब्रिक है, दानेदार जॉर्जेट होता है ना कुछ उस टाइप का फैब्रिक है। पूरी साड़ी में इस तरह का जो प्रिंट है वो मिल जाएगा, प्रिंटेड साड़ी है, साथ में बॉर्डर यहाँ पे इस तरह की लेस लगाई हुई है, बस इतना ही बॉर्डर है इसमें। और लेंथ वगैरह साड़ी की काफी प्रॉपर है, काफी अच्छी साड़ी है, लाइट वेट है, डेली वेयर के लिए और ऑफिस वगैरह के लिए काफी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। इसी में इसी तरह का जो है पल्लू दिया गया है, सेम साड़ी ऑल ओवर ऐसी ही है। देन इसके बाद बात करूँ इसके ब्लाउज की, तो जो ब्लाउज है वो आपको सेम प्रिंट में मिल जाएगा, तो मतलब ऑल ओवर साड़ी सेम ही लुक आने वाला है इसका। तो इसमें इस तरह का ब्लाउज दिया गया है, ब्लाउज की लेंथ वगैरह सेम है, लेंथ वगैरह काफी अच्छी है, फैब्रिक ब्लाउज का भी सेम अगेन जॉर्जेट का है,
तो ये वाली साड़ी तो मैं डेफिनेटली रिटर्न करने वाली हूँ, मुझे उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी है। जिस प्राइस पे मैंने जितना प्राइस मैंने पे किया है उसके हिसाब से मुझे उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी है। हाँ, लेकिन प्राइस अगर इसका कम होता तो फिर ये डेली वेयर के लिए काफी अच्छा ऑप्शन होने वाला था, तो इसको मैं डेफिनेटली रिटर्न करने वाली हूँ। सो डेट इज टूडेज वीडियो। आई होप आपको आज का मेरा ये साड़ी का कलेक्शन है ये पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट।